Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं दुर्गेश विश्वकर्मा, एस्टिमेशन प्लानिंग इंजीनियर, आप सभी का स्वागत करता हूँ सिविल गुरुजी में। आइए जानते हैं इस वीडियो में टाइप्स ऑफ वॉल के बारे में, कितने तरह की वॉल होती है और किस पर्पज से उनका यूज किया जाता है। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा लोड बेयरिंग वॉल, नॉन लोड बेयरिंग वॉल, ये हमारे जनरली यूज करते हैं। अभी मैं इसके बारे में और आगे बता दूंगा डिटेल में कि किस तरीके से किस पर्पज से वॉल का यूज करते हैं। लोड बेयरिंग वॉल, नॉन लोड बेयरिंग वॉल, केवीटी वॉल, रिटेनिंग वॉल, पार्टीशन वॉल और हमारी शेयर वॉल, किस तरह की वॉल को कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। लोड बेयरिंग वॉल क्या होती है, जो हमारा लोड कैरी करती है, नाम से ही जाहिर है कि लोड कैरी करने वाली वॉल को बोलेंगे हमारी लोड बेयरिंग वॉल। जो नॉन लोड बेयरिंग वॉल होगी, जो हमारी लोड को कैरी नहीं करेगी, सिर्फ पार्टीशन का काम करेगी, तो उसको कहेंगे हम नॉन लोड बेयरिंग वॉल। पार्टीशन वॉल वो होती है जो हमारी एक जगह से दूसरी जगह दिखे ना, इसलिए हम उसको यूज करते हैं पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल आजकल जनरली बहुत जगह यूज हो रही है। आपके एल्यूमिनियम की पार्टीशन आ गया, ग्लास पार्टीशन आ गया, वुडन पार्टीशन, लैमिनेट, विनियर, इस तरह की पार्टीशन वॉल बनती है जो हमारी ऑफिसेज बिल्डिंगों में जो टेम्प्रेरी यूज के लिए करते हैं। पार्टीशन वॉल को कभी भी हटा दिया, फिर से लगा दिया, उसका अरेंजमेंट कर लिया, इस तरीके से पार्टीशन वॉल रहती है। जो हमारी लोड बेयरिंग वॉल जो होती है, लोड बेयरिंग वॉल जो हमारा लोड कैरी करती है, लोड बेयरिंग वॉल में जो हमारी जो वॉल्स होती है, चाहे तो वो हमारी ब्रिक मशीनरी की होती है, स्टोन मशीनरी की हो सकती है, या हमारी ब्लॉक्स की हो सकती है, कॉन्क्रीट वॉल की हो सकती है, तो जो लोड कैरी करती है वो लोड बेयरिंग वॉल। जो नॉन लोड बेयरिंग, जो लोड कैरी नहीं करती, सिर्फ वॉल का काम करती है, उसको कहते हैं नॉन लोड बेयरिंग वॉल। जो हमारी 100 mm की वॉल होती है वो नॉन लोड बेयरिंग वॉल में आती है। उसके बाद में आता है हमारा शेयर वॉल। शेयर वॉल कहाँ यूज करते हैं, किस पर्पज से यूज करते हैं। शेयर वॉल हाई राइज बिल्डिंग, जो हमारे जैसे G+25, G+30 इस तरह की जो बिल्डिंग्स होती है, उसमें विंड लोड, एसेस्मिक लोड और हमारा जो अर्थक्वेक को रजिस्ट करने के लिए उसका यूज करते हैं शेयर वॉल का। और जो उसके बाद में आती है हमारी पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल बताई दिया मैंने कि एल्यूमिनियम के पार्टीशन, वुडन पार्टीशन, लेमिनेट पार्टीशन, हमारा ग्लास पार्टीशन, ये हमारा पार्ट डिवाइड करती है। जैसा ऑफिशियल बिल्डिंगों में, ऑफिसेज में कैबिन्स बनाने के लिए इस तरीके से पार्टीशन की वॉल क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं पार्टीशन वॉल। अभी जैसा आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि बॉन्ड्स, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड और हेडर बॉन्ड, ये बॉन्ड्स हैं, ये ब्रिक्स को अरेंजमेंट करने का एक तरीका है, जिसमें किस तरह से उसको अरेंजमेंट करेंगे हमारा लोड कैरी कर सके। जो हमारी जो सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में, एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर, सीट्स लिमिटेड है, जल्दी। 100 mm की वॉल होती है नॉन लोड बेयरिंग वॉल, जिसमें स्ट्रेचर फेस आता है, उसको कहते हैं हम स्ट्रेचर बॉन्ड। उसके बाद में आता है हमारा हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड क्या होती है, जो आर शेप के जो हमारे जो पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर्स खड़े होते हैं, जैसे कुआ हो गया, जो गार्डन के आर शेप में जो स्ट्रक्चर खड़े करने रहते हैं, वो हेडर फेस पे लगा के उसको बनाते हैं, तो वहाँ पे हेडर बॉन्ड का यूज होता है। उसके बाद में आता है हमारा इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड हमारी जो होती है लोड बेयरिंग वॉल में आती है, तो ब्रिक मशीनरी को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि वो लोड को ज़्यादा कैरी करती है, उसके जो वर्टिकल ज्वाइंट्स रहते हैं वो कम होते हैं हमारे इंग्लिश बॉन्ड में। इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, हमारा एक पूरा एक लेयर स्ट्रेचर का आएगा, दूसरा लेयर हमारा हेडर आएगा स्ट्रेचर, और एक लेयर हमारी स्ट्रेचर होगी, उसके बाद में नीचे हेडर, इस तरीके अरेंजमेंट को कहते हैं इंग्लिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, जो हमारी एक लेयर होती है उसमें एक स्ट्रेच हेडर बॉन्ड आता है, एक स्ट्रेचर आता है, हेडर स्ट्रेचर, इस तरीके से एक ब्रिक को अरेंज करते हैं, उसको कहते हैं बॉन्ड्स। और जो हमारी जो लोड बेयरिंग वॉल, नॉन लोड बेयरिंग वॉल में इसी तरीके से हम ब्रिक मशीनरी का जो अरेंजमेंट रहता है उसको कहते हैं बॉन्ड्स कहते हैं। जो हमारी जो इंग्लिश बॉन्ड जो होती है, कमर्शियल बिल्डिंगों में जहाँ पे ज़्यादा लोड आता है, लाइट लोड, उस जगह पे उसका यूज करते हैं। इसके लिए स्किल पर्सन की जरूरत नहीं रहती ज़्यादा। फ्लेमिश बॉन्ड को करने के लिए हमको स्किल पर्सन की जरूरत रहती है, क्योंकि उसमें एक हेडर आएगा, स्ट्रेचर आएगा, उसको अरेंजमेंट करता है। जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली होती है, क्या होता है, ब्रिक को वॉल खड़ा करती है, उसके बाद में बाद में प्लास्टर कराते हैं, तो एक साल दो साल बाद में जैसे पैसे के वजह से वो बाद में कराते हैं, इसलिए उसको फ्लेमिश बॉन्ड मैक्सिमम पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलती है। और इंग्लिश बॉन्ड का यूज़ हम कमर्शियल बिल्ड, जहाँ लोड ज़्यादा आता है वहाँ पे उसका यूज़ करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत। आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ।
सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।